सर जनरल इंश्योरेंस कैसा दिख रहा है? कोड है GICRE। देखिए चार्ट स्ट्रक्चर तो बहुत प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। RSI एक बार के लिए काफी अच्छा सपोर्टिव लग रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई स्टॉक अगर ऊपर से गिर के नीचे से अगर डाइवर्जन आ रहा है तो काफी सही मायनों में ये स्टॉक चलने की उम्मीद है। इट इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। मैं इसके पहले जो बात कर रहा था वो RSI की बात कर रहा था। स्टॉक ऊपर से टूटा हुआ नहीं है, इंट्राडे के अंदर की जो मूवमेंट होनी है 1% 2% की वो चल रही है, लेकिन इट इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। ऑलरेडी एक 126 के ऊपर ट्रेड कर चुका है ये स्टॉक और काफी अच्छे समय तक सस्टेन भी हुआ है, लेकिन प्रिकॉशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बात कहना चाहूंगा यहाँ पर कि अगर कोई अगर इसके अंदर फ्रेश खरीदारी की सोच रहे हैं तो 126.50 के ऊपर 15 मिनट कैंडल की क्लोजिंग देनी चाहिए, और उसके बाद में अगर फॉलो बाइंग उसके अंदर देखने मिलती है 5-10 पैसा ऊपर में भी और सस्टेन अगर होता है ये स्टॉक तो डेफिनेटली एक बाय कैंडिडेट बन जाएगा, और इसके इसके अंदर बाइंग ही करके चलना है। यहाँ पे कहीं पे भी सेल साइड के सिग्नल्स समझ में नहीं आ रहे हैं, तो बने रहे जिनके पास में है, जिनके पास में नहीं है और लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेने का सोच रहे हैं इसके अंदर, तो करंट मार्केट प्राइस में भी इसके अंदर बाइंग बन सकती है, लेकिन फिर वही कहना है कि अगर थोड़ा सा सेफर साइड जाना है, थोड़ा सा रिस्क फ्री अगर होके जाना है तो 126.50 के ऊपर ट्रेड करेगा, फॉलो बाइंग की कैंडल देखने मिलेगी, तब जाके हम उसके अंदर वॉल्यूम्स को ध्यान में रखेंगे। वॉल्यूम्स अच्छे खासे हैं इसमें तो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। जी, तो सर ने जनरल इंश्योरेंस पर अपनी राय दे दी है। जनरल इंश्योरेंस में पूछना चाहूंगी, 1 साल के नजरिया अगर है मेरा तो। मैम देखिए एक चीज हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि अगर टाइम होराइजन अगर हम लोगों के पास में ज्यादा लंबा है तो ये ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स में घबराने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैं ट्रेडिंग के परस्पेक्टिव से बार बार ये चीज को मैं बोल क्यों रहा हूँ, मैं भी ऐसा बोलता नहीं कि मैं ट्रेडिंग के परस्पेक्टिव से ही देख रहा हूँ। देखिए टेक्निकली मार्केट जब अपनी हाई से 20-22% के आसपास करेक्ट होके अगर वहां पे सस्टेन होता है, और S&P जो मैं US मार्केट की बात कर रहा हूँ तो जी एक ग्लोबल रिसेशन का एक ट्रिगर माना जाता है, और रिसेशन की बात हम लोग काफी टाइम से देखते आए हैं, सुनते आए हैं, क्योंकि मैं मार्केट में बहुत सालों से हूं तो मैंने 2008 का रिसेशन काफी करीब से देखा हुआ है, उसको एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो ये सिनेरियो के अंदर अगर आप थोड़ा सा वेट करोगे मार्केट के अंदर तो ये ज्यादा बेनिफिट वाला सौदा रहेगा कि हम लोग वेट करके मार्केट के अंदर आए हैं। हो सकता है कि यहाँ से 135 के ऊपर लेनी मिल जाए आपको, जब मार्केट सुधर जाए या 140 की लेवल पे मिल जाए तो उसके अंदर कोई घबराहट नहीं होगी, क्यों जी तो एक मार्केट का ट्रेंड और ओवरऑल आइडिया लग जाता है मार्केट का कि हम लोगों को कितना टाइम में काम करना है। अगर ये स्टॉक इस तरीके के स्टॉक्स अगर कभी पैनिक में अगर टूटेंगे और 20-30% का अगर इसके अंदर डिप डाउन देखने मिलता है तो जब मार्केट जब अच्छे कंडीशंस में आता है और जब मार्केट सुधरने वाली चीज होती है तो इस तरीके के स्टॉक जो इंडेक्स के ऊपर अपना कोई वेटेज नहीं रखते हैं तो हो सकता है कि इसके लिए कोई ट्रिगर कोई न्यूज की हम लोगों को ध्यान में रखना होता है, या तो पर्टिकुलर स्टॉक्स का जो मोमेंटम आता है वो कहीं बाहरी दुनिया से आता है, उसका रिजल्ट्स हो या उसके अंदर कोई ग्रोथ के लिए कोई मैनेजमेंट ने कोई तगड़ा वाला डिसीजन लिया हो या काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगाई हो, तो ऐसे स्टॉक्स के अंदर हम लोगों को देखने मिलता है। मैं फंडामेंटल एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन स्टिल ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट्स मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि इसको यहाँ से 1 साल का होराइजन पक के अगर जाएंगे और मैं अपना व्यू नहीं रखू तो मुझे लगता है कि ये 170 की रेंज तक जाने के लिए रेडी है। थोड़े कम समय में भी जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप लोग इसके अंदर अपना पोजीशन बना रहे हो तो एक स्टैगर्ड वे में बनाएंगे, या अपना कैपिटल आप लोग अगर डिप्लॉयड कर रहे हो तो 7-8% कैपिटल डिप्लॉय कर सकते हैं। जी, तो सर ने बता दिया है लॉन्ग टर्म के लिए भी, और सारे के सारे फैक्टर्स जो भी जनरल इंश्योरेंस के अंदर है सारे के सारे सर ने बहुत ही क्लियरली और स्पेसिफिकली समझा दिए हैं।